हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड यू आर वॉचिंग एड बाय आयुष। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिप्स की शेडिंग कैसे करनी है। सो लेट्स सी। सो गाइस, सबसे पहले मैं अनवांटेड लाइंस को इरेज कर रहा हूँ मोनोटोम्बो जीरो इरेजर से। देन फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ एच बी पेंसिल एंड उससे वर्टिकली बिल्कुल लाइट प्रेशर से लाइट लाइट लाइन लगा कर शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिप्स में वर्टिकल्स लाइंस होती है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। देन मैं ऊपर वाले लिप्स में बिल्कुल लाइट प्रेशर से एच बी पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल एंड उससे भी वर्टिकली स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, एंड जो डार्क एरिया वहाँ पे थोड़ी शेडिंग कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। एंड अब जो लिप्स के बीच में लाइन है मैं उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ। एंड अब मैं दोबारा वर्टिकली स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। याद रहे आपको स्ट्रोक्स बिल्कुल लाइट प्रेशर से लगाने हैं, क्योंकि अगर थोड़ी भी प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो फिर इरेज नहीं हो पाएगी और ना ही उसे हाइलाइट्स निकल पाएंगे इरेजर से। सो आपको बिल्कुल ही आराम आराम से फ़ोटो को ऑब्जर्व करने के बाद ही स्ट्रोक्स लगानी है। एंड मैं थोड़ी डार्क शेडिंग भी मैकेनिकल पेंसिल से ही कर रहा हूँ। आपको शेडिंग में पूरा टाइम देना है एंड बिल्कुल ही आराम से करनी है शेडिंग। गाइस, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करें लिप्स में। एंड अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ दोबारा ब्रश से, जिससे कि लिप्स की शेडिंग थोड़ी स्मूथ हो जाए। एंड अब मैं मोनो जीरो इरेजर से थोड़े हाईलाइट निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ। एंड देन फिर मैं दोबारा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि जो वाइट एरिया है वो थोड़ा उभर के निकल सके। एंड अब मैं इरेजर से इरेज कर रहा हूँ जो लिप्स के ऊपर हमारी लाइन होती है जो कि थोड़ी वाइट दिखती है हमको। एंड अब मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ एच पी पेंसिल थोड़ी स्किन टोन देने के लिए। याद रहे आपको शेडिंग भी जितनी हो सके 45 डिग्री एंगल पे करनी है। आप मैकेनिकल पेंसिल से भी किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करें तो ज़रूरी है कि 45 डिग्री एंगल में ही आप शेड करें, उससे शेडिंग अच्छी होती है एंड स्मूथ होती है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।